Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 2. Naam hai is chapter ka Goal. This chapter is from your class 6 new NCERT for Hindi. The name of the book is Malhar. So humne first chapter already cover kar liya hai. Is video mein hum second chapter cover karenge jisme Goal, Sansmaran. ये मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया है और एक दौड़ ऐसी भी एक और कहानी पढ़ने के लिए दी गई है. सभी हम करेंगे और वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर गोल. रीड करते हैं. इस पार्ट का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे. गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि. गोल पढ़कर आपको कोई गोल चीज याद आई होगी, लेकिन यह पार्ट एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है. गोल यहाँ कुछ और है, वो हम आगे पढ़ेंगे. यह पार्ट एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है. संस्मरण मतलब होता है अगर हमने कोई भी अपनी पास्ट की चीज याद करके, पहले की चीज याद करके किसी को बता रहे हैं या डायरी में लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं संस्मरण. ओके, सो ये उनकी एक संस्मरण का अंश है, पार्ट है. आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी. खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं. खेल में तो यह सब चलता ही है. जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था. तो वे अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, जो भी राइटर हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद जी हैं, कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की तो हो ही जाती है, आपस में खेलते वक्त नोक झोंक भी हो जाती है. तो जब वो खेला करते थे उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी. सन 1933 की बात है. उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था. तो वो बताते हैं कि 1933 में वो पंजाब रेजिमेंट उस समय की ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा था. सो पंजाब रेजिमेंट की ओर से वो खेला करते थे हॉकी. एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम का मुकाबला हो रहा था. दो टीम थी, पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम. तो इनके मुकाबले में क्या हुआ, माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती. इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सर पे मार दिया. मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया. सो जो सामने वाली टीम थी उसका एक खिलाड़ी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसके हाथ में गेंद ही नहीं आ पा रही थी, वो गोली नहीं कर पा रहा था, मेजर ध्यानचंद जी उसको गोल करने ही नहीं दे रहे थे, तो उसको गुस्सा आया तो उसने हॉकी से इनके सर पे मार दिया जिससे कि चोट लग गई और इन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा. आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा. फिर उन्होंने जब मैदान में वो पट्टी बांध कर आए तो जिस खिलाड़ी ने उनको सर पे मारा था उसके पास जाकर इन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा. मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया. अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके के सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं. अब जैसे ही उन्होंने उसको इतना कहा, वो खिलाड़ी जिसने मारा था इनको, वो डर गया कि ये तो कभी भी मुझे स्टिक से मारेगा, और हर वक्त वो बिल्कुल चौकन्ना था कि कहीं ये मुझे मार ना दे. मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए. हॉकी का जो गेम होता है उसमें गोल होता है, एक दूसरी टीम के पाले में बॉल को ले जाना होता है. सो उसे हम गोल कहते हैं, ठीक है. तो वो डरा हुआ था, ध्यान नहीं दे रहा था खेल में. तो इस बीच में क्या हुआ, इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए झटपट जल्दी से 6 गोल कर दिए. खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया. खेल के बाद उन्होंने जिस खिलाड़ी ने उनको मारा था उसके पास जाकर फिर से उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि हमें खेल में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए. देखो मैंने तो तुमसे बदला ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता. तो उन्होंने बताया कि वो उससे बदला ले चुके हैं. कैसे, क्योंकि पहले 2 ही गोल ज्यादा थे, लेकिन जब उनको चोट लगी और उन्होंने बदला लेने का ये तरीका निकाला कि आराम से अपने गेम पे फोकस करते हुए और ज्यादा गोल्स किए. वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ. तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी. सो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस दूसरे खिलाड़ी को ये कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी गलती की थी इनके सर पे मार के, तो वो डर गया था. सो जो भी लोग गलती करते हैं वो हर वक्त डरे रहते हैं
हैं कि कहीं उनके साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए, हर वक्त डर डर कर जीते हैं। सो इन्होंने अपना बदला कैसे लिया, अपने काम पे फोकस करके, ये नहीं कि उल्टा बदला लेकर या मार कर। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब वो बताते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो सभी लोग उनसे पूछते हैं कि आप इतने सफल हुए, इसका राज क्या है, इसमें क्या आप ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं जो मैं बता दूं। तो क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेरी सफलता या मेरे हिसाब से सफलता यही है कि लगन लगा के काम करो, साधना करो, मतलब कि बहुत शिद्दत से अपना काम करना चाहिए, और खेल की एक भावना होती है उसको बनाकर रखने चाहिए। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे और यही सफलता का मंत्र है। तो वो ऐसा ही जवाब देते सबको। अब ये अपने बारे में बताते हैं, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ, जो कि अभी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। बाद में वो लोग प्रयाग से झांसी में आ गए, झांसी भी उत्तर प्रदेश में है। जब वो 16 साल के हुए तो वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए, ठीक है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। किस पोस्ट पर? सिपाही की पोस्ट पर। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी जो रेजिमेंट थी, उनकी जो टीम थी, मतलब आर्मी वाली, वो हॉकी में बहुत अच्छा खेलती थी, लेकिन इनको उस वक्त हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, उनके जो हेड थे उस वक्त वो तिवारी जी थे। वे मुझे बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते, हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, तो जो वो सूबेदार थे मेजर तिवारी, वो इनको बार बार कहते थे कि आप हॉकी खेलो, लेकिन इनको कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और छावनी, छावनी ऐसी जगह होती है जहां पर आर्मी अपनी ट्रेनिंग करती है ना, आपने सुना होगा आर्मी कैंट, तो उसको हम छावनी बोलते हैं। तो वहां पर सभी जो आर्मी के पर्सन थे, इनके जो साथ काम करने वाले थे, वो जब चाहे मैदान में आकर और हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। और ये खुद को उस वक्त नौ सिखिया बताते हैं, नौ सिखिया मतलब अभी ये नया नया सीख ही रहे थे हॉकी को, ठीक है। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। जब ये अच्छा खेलने लग गए तो इन्हें प्रमोशन भी मिले, तरक्की भी मिली। फिर क्या हुआ, सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बना दिया गया। ओलंपिक एक गेम होता है, एक टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है। तो 1936 में बर्लिन में, जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, वहां पर ये गेम हुआ था। सो उस समय इनको टीम का कैप्टन बना दिया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। उस समय उनकी पोस्ट क्या थी, लांस नायक की, मतलब पोस्ट बढ़ गई थी। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। जब ओलंपिक गेम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनकी गेम इतनी अच्छी लगी लोगों को कि इन्हें हॉकी का जादूगर कहने लग गए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। जब उन्हें जादूगर कहा जाने लगा हॉकी का, तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि सारे गोल वही करते थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि गेंद को कैसे भी गोल के पास ले जाएं और अपने फ्रेंड को, यानी जो उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी टीम के मेंबर हैं, उनको दे दे मौका कि वो गोल कर ले और जिसने गोल किया है उसको श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। सो उस ओलंपिक गेम में हम जीते थे और उसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। और इनकी जो ये भावना है कि अपने से ऊपर अपने टीम के मेंबर्स को रखने के लिए, जब हम गेम खेलते हैं तो हम अपने लिए नहीं खेलते, अपनी टीम के लिए खेलते, अपने देश के लिए खेलते हैं, तो इस भावना के कारण इन्हें पूरी दुनिया में जो खेल को पसंद करने वाले लोग हैं उनके बीच इनको बहुत फेमस कर दिया। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो वही मैंने आपको कहा, हमें खेल में अपने से ऊपर अपनी टीम को, अपने देश को रखना होता है। तो वही ये भी सोचते थे कि अगर मैं हारूंगा तो मेरा देश हारेगा, मैं जीतूंगा तो मेरा देश जीतेगा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये संस्मरण? मेजर ध्यानचंद जी द्वारा। तो ये आप इमेज नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं, बर्लिन में जो 1936 में ओलंपिक हुआ था वहां पर ये हॉकी की हमारी टीम थी।
ठीक है, अब आगे हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। सो यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा क्या होती है, ऐसी बुक जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में अपनी कथा लिख रहे हैं उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, तो उसका नाम इन्होंने दिया गोल। तो इससे तो ये समझ में आता है कि ये खेल कितना पसंद करते होंगे। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये इतने महान खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर कर दिया जाता है। ठीक है, खेल पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। इतने महान खिलाड़ी थे ये, इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी डेथ 1979 में हुई थी। आई होप आपको इनका परिचय अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिला। अब एक्सरसाइज देखते हैं पार्ट से। मेरी समझ में कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, जो भी है उसके आगे हमें स्टार बनाना है। सो पहला पैराग्राफ है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात में उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो ये वाला सही है कि उन्हें पता था कि खेल में हमें भावनाओं पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, कि हमें ज्यादा अग्रेसिव यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए और कैसे खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण या उनकी खेल भावना के कारण? तो पहला पॉइंट सही है, उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनके अंदर कुछ ऐसा कौशल था जिससे वो हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। फिर है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो हमने पार्ट रीड किया था, उस बेसिस पे हम इन सभी आंसर्स को टिक किया है। नेक्स्ट है, मिलकर करें मिलान। पाठ में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा करें और इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलिए मैच देम करते हैं। पहला है लांस नायक, ये क्या है? भारतीय सेना का एक पद होता है, रैंक होती है, है ना? फिर सेकंड है बर्लिन ओलंपिक, ये क्या है? सो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का नाम है बर्लिन ओलंपिक, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। फिर है पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल है। फिर है सैंपर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का दल है यानी टीम है। फिर है सूबेदार, सूबेदार भी एक पोस्ट होती है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैनिक अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, ये भी एक पोस्ट होती है। फिर है छावनी, छावनी ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और भी आर्मी की जो एक्टिविटीज होती है वो वहां पर होती है। नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया वो आपको बताना है। अपने विचार कक्षा में आपको समूह में साझा करने और अपनी पुस्तिका में भी लिखना है। सो पहला है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ये पंक्ति थी चैप्टर में, इसका मतलब क्या है? सो इसका आशय यह है कि जो व्यक्ति बुरा कार्य करते हैं वे ये सोचकर डरे हुए रहते हैं कि उनका बुरा कार्य किसी के सामने ना आ जाए, और इसीलिए हमें कभी भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। बुरा कार्य करने वाले व्यक्ति हमेशा डर डर के रहते हैं। नेक्स्ट है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश होती है कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इस से, इस वाक्य से या इस पैराग्राफ से आप क्या समझते हैं? सो इसका आशय यह है कि खेल में हमें टीम को साथ लेकर चलना चाहिए, खुद से ऊपर हमें टीम को रखना चाहिए। मतलब टीम अच्छा करेगी
तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। एक व्यक्ति का गेम नहीं होता है, पूरी टीम का गेम होता है। सो यह एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है, जो ऊपर पैराग्राफ में मेजर ध्यानचंद जी के बारे में दिया गया है। वो खुद गोल करना नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि बॉल को गोल पोस्ट के पास ले जाएं और अपने किसी टीम प्लेयर को दे दें कि उसे मौका मिल जाए गोल करने का। ठीक है, सो नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। संस्मरण को फिर से एक बार आपको पढ़ना है, निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है, कॉपी में लिखना है। पहला है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य है? तो उन्होंने जैसा बताया, तो ध्यानचंद की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं लगन, साधना और खेल की भावना। ठीक है, नेक्स्ट है, किन बातों में ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? अभी हमने रीड किया, उनकी ये कोशिश कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देना, ताकि उसे गोल का श्रेय मिल जाए। वो अपने बारे में ना सोचते हुए अपने साथी प्लेयर के बारे में सोच रहे हैं, खिलाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, ये एक वाक्य है। इसको पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे, यानी पाठक पढ़ने वालों से अपनी यादों को साझा कर रहा है ना। संस्मरण यही होता है कि हम अपनी यादों को बताते हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि एक मैं आपको बता रही हूँ, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। संस्मरण जो होता है वो हर घटना ऐसी बताता है जो सच होती है। लेखक ने जो खुद अनुभव किया होता है, जो खुद फील किया होता है, उसी का चित्रण संस्मरण में किया जाता है। और जैसा कि हमने इस पार्ट में देखा कि ध्यानचंद जी ने अपनी लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए हैं वो बताए हैं, है ना। फिर है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। फिर आपको लिखकर और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। नेक्स्ट है, शब्द के जोड़े विभिन्न प्रकार। इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिल गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस तरीके की रेखा, योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे पांच शब्द युग्म लिखिए, तो अंग अंग, अपना अपना, कोना कोना, खाली खाली, गांव गांव। हम बोलते हैं ना ऐसी चीजें, गांव गांव जाकर पता किया फिर भी वो नहीं मिला, खाली खाली लग रहा है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, कोना कोना इस घर का मैंने छान लिया, ऐसे शब्द हम बोलते हैं ना, तो इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। ये स्टेटमेंट था चैप्टर में। अब कहा है, इस वाक्य में भी आपको दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, धक्का मुक्की और नोक झोंक, है ना। लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न है, इसमें सेम शब्द यूज नहीं हुए हैं, एक जैसे नहीं है। आप भी ऐसे पांच शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो जैसे अच्छा खासा, प्रचार प्रसार, सुख सुविधा, आसपास, गाने बजाने। तो अच्छा खासा, जैसे माँ ने अच्छा खासा खाना बनाया था। प्रचार प्रसार, नेताजी प्रचार प्रसार में लगे हैं। सुख सुविधा, रोहन को सुख सुविधा में रहने की आदत है। फिर आसपास, हमारे आसपास हरियाली है। गाने बजाने, रोहन को गाने बजाने में आनंद आता है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जो सेम नहीं होते फिर भी हम साथ में यूज करते हैं, इनको हम शब्द युग्म कहते हैं, लेकिन शब्द सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। सो इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार या जीत को हार जीत, बच्चे व बूढ़े को बच्चे बूढ़े। तो योजक चिन्ह इस तरीके से लगाकर आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से आपको जोड़ना है। अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, अमीर या गरीब, अमीर गरीब, उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण, गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य, अमृत या विष, अमृत विष। ठीक है, तो इस तरीके से योजक चिन्ह लगाकर हमने वाक्य को जोड़ा। नेक्स्ट है, बात पर बल देना। अपनी बात को कैसे हम बहुत इंपॉर्टेंस देकर बोल सकते हैं? मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचान, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। देखो, दूसरे वाक्य में ये ही नहीं है,
उस एक शब्द के ना होने से वाक्य में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। जैसे पहला जब स्टेटमेंट बोल रहे हैं, मैं तो अपना बदला ले ही लूंगा, ले ही लूंगा से लगता है कि ये बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि बदला ले ही लेगा, लेकिन नेक्स्ट है मैं तो अपना बदला ले लिया है, तो मतलब ये इतना ज्यादा जोर दे के नहीं बोल रहा है। तो हम अपनी बात पर बल देने के लिए, अपनी बात को और ज्यादा अच्छे से रखने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो। पाठ में इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में से ये शब्द ना होते तो क्या उनके अर्थ पर कोई प्रभाव पड़ता? तो जैसे अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हराता। तो अगर ये तो यहां से हटा दे तो क्या हो जाएगा? अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें दो गोल से हराता। बात में जोर आता है, ऐसा लगता है कि हम फोर्स देकर कुछ बोल रहे हैं। फिर है बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई हो जाएगी, है ना? उसके साथ बुराई हो गई और भी लगा दिया तो एक जोर है कि उसके साथ तो बुराई होगी ही हो। इस तरीके से कुछ शब्द जोड़कर हम अपने वाक्यों को ज्यादा बल देते हैं। आगे है पाठ से आगे, आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो आप बताइए किस प्रकार का बदला लेते? तो जब तक मैंने पाठ नहीं पढ़ा था तब तक तो हो सकता है हमारे मन में ये आ रहा हो कि हम बदला लेते, लेकिन अब नहीं लेंगे क्योंकि पाठ पढ़ लिया और पता चल गया कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन पहले के लिए अगर पूछा है तो मैं उस खिलाड़ी की शिकायत करता या करती, लेकिन अब कहानी पढ़ने के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, है ना? तो मैं शिकायत करती, मैं यही बदला लेती। नेक्स्ट है, आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं? तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, विराट कोहली मेरा प्रिय खिलाड़ी है क्योंकि उसका खेल कौशल बहुत अच्छा है, उसको वो बहुत अच्छा गेम खेलता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट से रिलेटेड, आप कोई भी गेम बता सकते हैं, छुपन छुपाई, है ना, या कोई भी गेम जो आपको अच्छा लगता हो। नेक्स्ट है समाचार पत्र से, क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल से जुड़ी हुई समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है, एक पेज पे खेल से रिलेटेड न्यूज़ होती है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए, आप लास्ट वीक के न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं अपने घर में या अपने लाइब्रेरी में। अपनी पसंद का एक खेल समाचार आपको पढ़ना है और अपनी बुक में लिखना है। तो जैसे मैंने यह एग्जाम्पल दिया कि ये एक T20 जो वर्ल्ड कप अभी हुआ था उससे रिलेटेड न्यूज थी, तो मैंने यहाँ लिखा है। आप चाहें तो कोई भी न्यूज जो अभी आई है न्यूज़पेपर में वो लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे T20 का फॉर्मेट क्रिकेट का सबसे छोटा और सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट है, इसे दर्शकों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। सो T20 लोगों को पसंद आता है क्योंकि छोटा क्रिकेट का फॉर्मेट है, जल्दी खत्म हो जाता है इसमें मैच। आईसीसी की ओर से T20 विश्व कप का भी आयोजन किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करता है? आईसीसी। फिर पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में आयोजित किया गया था जहां धोनी के नेतृत्व में भारत चैंपियन बना था। सो ये एक न्यूज थी, मैंने यहाँ पर लिख दी। आप चाहें तो कोई और भी न्यूज लिख सकते हैं। अब आगे एक एक्टिविटी दी गई है, देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत है, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में अपने डेस्क या कुर्सी पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल का सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। यहाँ पर आपको एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। जब भी आप मैच देखते हैं उसमें जो कॉमेंट्री हो रही होती है, कॉमेंटेटर जो बोल रहे होते हैं कि गेंद अब बाउंड्री के पास चली गई या ये प्लेयर आउट हो गया या छक्का लग गया, चौका लग गया, इस तरीके की जो न्यूज आप सुन रहे होते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग जो सुन रहे होते हैं, सो वो आपको खुद से एक्ट करना है क्लास में ग्रुप्स बना के। सो ये एक्टिविटी है, ये तो आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरी लेखन। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके मन में चल रहा होता है, जो उनके साथ हुआ होता है, ईमानदारी से लिखते हैं या टाइप कर लेते हैं। डायरी लिखना इसी को कहा जाता है। क्या आपके मन में भी कुछ बातें और विचार को लिखने का मन करता है? तो यदि हाँ तो आज से ही आपको ये प्रारंभ करना चाहिए। आप कहाँ लिखेंगे या माध्यम कौन सा चुनेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी लिखते हैं, तो लेखन पुस्तिका या ऑनलाइन जहां भी लिखना चाहें उन मंचों पर आप लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज ही लिखना है, जब आपका मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे दो वाक्य हो या दो पृष्ठ, आपके मन में जो आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्यों की कोई लिमिट नहीं है, आपको दो लाइन मन कर रहा है दो लाइन लिखिए,
लिखिए, दो पेज मन कर रहा है दो पेज लिखिए। अब नेक्स्ट यहाँ एक पहेली दी गई है, यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। आपके सामने यहाँ पर तीन खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, आपको पता लगाना है कि ये गोल किस खिलाड़ी ने किया है। तो देखो ये गोल पोस्ट है, यहाँ से जो भी रस्सी जाएगी जिस प्लेयर के पास, इसका मतलब गोल उसी ने किया है। तो ये देखिए मैंने पिंक लाइन ड्रॉ की, इस लड़की के पास आ रही है, मतलब इस प्लेयर ने ये वाला गोल किया है। ऐसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है झरोखे से। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत सी बातें जान ली, अब हम हॉकी जैसे एक अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे जिसे आप जैसे बहुत से बच्चे अपने गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ की लकड़ी। एक ये लकड़ी से खेला जाता है, स्टिक से। और ये भील भिलाला ये कम्युनिटी है, लोगों का ग्रुप होता है, जनजाति होती है, तो उनके बच्चे ये ज्यादा खेलते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ दिया देखा जाए तो ये खेल कुछ कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, पोस्ट अभी हमने देखा था पिछली पहेली में, वैसे पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसी कोई सीमा निर्धारण नहीं होती। दूसरा यह अंतर होता है कि इस खेल में हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण वाली गेंद होती है, इसकी जो गेंद होती है वो बांस की बनी होती है। तो क्या क्या सामग्री चाहिए इसको खेलने के लिए? बांस के गुट्टे की गेंद जिसे द्वित भी कहते हैं, तो ऐसी बॉल जो बांस से बनी हो जिसे द्वित भी कहा जाता है वो चाहिए। गोदा यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडियां चाहिए। दोनों बच्चे के हाथ में देखिए एल शेप की लकड़ियां हैं, ऐसी लकड़ी चाहिए। राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा सा वृत्त बनाना। सो बाउंड्रीज हम किससे खींचेंगे? राख, जो लकड़ी का जला हुआ अवशेष होता है उससे हम बाउंड्रीज बनाएंगे, और बीच में एक छोटा सा सर्कल भी उसी से ड्रॉ करेंगे। फिर रूल्स क्या है इस गेम को खेलने के? तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए, हम रीड कर लेते हैं। ऐसे तो ये गेम कितने भी खिलाड़ियों के साथ खेला जा सकता है, लेकिन कम से कम दो दो खिलाड़ी होने चाहिए। टॉस जीतने वाला दल खेल को प्रारंभ करता है। गेंद को छोटे से घेरे या वृत्त में रखना होता है और हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में ले जाते हैं। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं और प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल के अराउंड दो बच्चे खड़े हैं, तो ये दोनों अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि बॉल को रोका जाए, अपनी तरफ ना आने दिया जाए। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी खेल में नहीं है, किसी भी साइड जा सकते हैं ना। बाकी सारा खेल हॉकी के समान ही होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट तो है नहीं, तो गोल करने का मामला ही नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे लिया जाए? तो उत्तर इसका यह है कि दल गेंद के अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसीलिए विजयी भी। तो इसका मतलब है जो टीम सामने वाली टीम के अपोजिट टीम के पाले में ज्यादा से ज्यादा बार बॉल को फेंकेगी वही विजेता टीम होती है। लास्ट में दिया है खेल के दो विशेष नियम है। पहला कि शरीर के किसी भी अंग से बॉल टच नहीं होनी चाहिए और हवाई शॉट नहीं लगना चाहिए। दूसरा रूल ये है, हवाई शॉट मतलब बॉल को जमीन पे ही मारना है, ऊपर की तरफ उठाकर शॉट नहीं मार सकते जैसा क्रिकेट में होता है। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं और हिट कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों दल एक दूसरे के क्षेत्र में गेंद को फेंकने की कोशिश करते रहते हैं और जो ज्यादा फेंकता है वो जीत जाता है। इसमें विशेष क्या है, ये खेल होली का त्योहार आने से कुछ दिन पहले खेला जाता है और उस दिन क्या होता है, द्वित और गोथे जो ये डंडी और बॉल है इनकी, इसको उसी आग में जला देते हैं जिसमें होलिका दहन किया जाता है। ओके, फिर आगे दिया हुआ है साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह से समझ लिए, अब अपने मित्रों के साथ आप ये डांडी और गोथा का खेल खेल सकते हैं। ये जो खेल है, ऐसे बहुत से स्वदेशी खेल आपने अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय, घर और मोहल्ले में खेले होंगे। अब आप ऐसे ही किसी एक खेल का नियम इसी प्रकार से लिख कर बताइए ताकि कोई बच्चा पढ़े और उसको पढ़ कर समझ कर खेल सके। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक गेम छुपन छुपाई के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। जैसे इसे हाइड एंड सीक के नाम से जाना जाता है, इसे एक खिलाड़ी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए गिनती करनी होती है पहले, फिर इसी दौरान बाकी के खिलाड़ी सीमित जगह में छुप जाते हैं, खेल की अगली कड़ी में आंखें जिसकी बंद है वो खिलाड़ी फिर सभी खिलाड़ियों को ढूंढता है, और अगर इस दौरान किसी दूसरे खिलाड़ी ने उसे पीछे से छू लिया तो वह फिर से काउंटिंग करेगा, गिनेगा और सभी खिलाड़ियों को पकड़ेगा। आगे है पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। चलिए कहानी को रीड करते हैं। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे, उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सो ओलंपिक गेम में एक बार 9 लोगों की रेस हुई।
उसमें सभी 9 प्रतिभागी जो थे वो विकलांग थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े, बहुत तीव्र तो नहीं पर उनमें सब में जीतने की होड़ अवश्य थी। सब जीतने के लिए उत्सुक थे, आगे बढ़े बस एक छोटा सा लड़के को छोड़कर। वह छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। सबने उसकी पुकार सुनी, फिर दौड़ना छोड़कर उसके पास गए और देखने लगे कि आखिर हुआ क्या। सबने उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की और फिर पता चला कि छोटा लड़का जो है वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी होती है, मतलब शरीर सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो फिर क्या हुआ, फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर सब दौड़ने लगे और अंतिम रेखा जहां पर एंड होती है रेस, वहां तक सब साथ में पहुंचे। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे और इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ दौड़ में जीते हैं, किसको स्वर्ण पदक दिया जाएगा, मतलब गोल्ड मेडल किसे मिलेगा, ये सोचकर सब आश्चर्यचकित थे। फिर निर्णायकों ने, मतलब जो डिसीजन लेने वाले थे, उन्होंने सबको स्वर्ण पदक देकर इस प्रॉब्लम का हल निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। सो बहुत ही प्यारी फ्रेंडशिप के ऊपर कहानी थी। तो इसके साथ ही हमने चैप्टर 2 भी कवर कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू वॉचिंग ऑल द चैप्टर्स, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।